एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग ठीक होइएगा। सॉरी एक दो दिन लेक्चर ना आने के कारण, कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण मोबाइल में ऐप में जिससे बनाते थे, जिससे एडिट कर पाते थे, उसमें छोटा सा प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए नहीं आ पा हो पाया। और शॉर्टली आप लोग का 12th स्टार्ट होगा, हमने ये प्रॉमिस भी किया था। लॉकडाउन ऐसे ही दिन टू दिन बढ़ते जाएगा, हम ये नहीं कर सकते हैं कि लॉकडाउन दिन टू दिन बढ़ते जाएगा, लेकिन अभी जैसा माहौल चल रहा है सही करने के लिए, अभी आपको घर से निकलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐप पे भी वर्क चल रहा है रिसेंटली, सब कुछ जैसे कुछ नया आएगा हम आपको अपडेट देंगे। हम लोग ना स्टेशनरी वेब और स्टैंडिंग वेब के साथ कनेक्ट थे, यू कह लीजिए कि वो वाला लेक्चर अप्रोक्स 40-45 मिनट का बना था, जो इससे आज अपलोड हुआ है। देखिएगा टॉपिक्स का नाम भी होगा स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव, वो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट तो आप देख चुके हैं, आज उसका दूसरा पार्ट है, और उसी में अगर आप आज का लेक्चर देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको लेक्चर नंबर 8 देखना ही होगा। जो लोग लेक्चर 8 देखे हैं वही लेक्चर 9 देखे, वरना लेक्चर 9 कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये जो लेक्चर 9 है इज टोटली बेस्ड ऑन लेक्चर 8, यानी कि आपको स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव आएगा तभी जाकर, किसको हम लोग नोट्स करते हैं ये सब चीज समझ में आएगा, तब जाकर के आपको ये लेक्चर नंबर 9 समझ में आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेक्चर 9 होने वाला है आज, लेक्चर 9, और टॉपिक्स का नाम उसी से रिलेटेड है, बिल्कुल थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है। स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रेन, स्टैंडिंग वेव, इसको स्टेशनरी वेव भी बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रिंग, स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रिंग हो गया, एट बोथ फिक्स्ड एट बोथ एंड, फिक्स्ड एट बोथ एंड, ठीक है, फिक्स्ड एट बोथ एंड। आज इस टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ना आपको स्टैंडिंग वेव आना चाहिए। अगर आपको स्टैंडिंग वेव नहीं आता है तो आप इसको नहीं समझ सकते हैं। टॉपिक्स का नाम है स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। हम एक स्ट्रिंग ले लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और स्ट्रिंग मतलब रस्सी, और रस्सी के दोनों एंड को फिक्स कर दिया, देख लीजिए, है ना। मान ली यहां पे इसका लेंथ 0 है और यहां पे टोटल एक्स ना एल के बराबर हो चुका है, ठीक है ना, डन। ये कोई वेव अब तक तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, स्टेशनरी वेव है, ध्यान देना है, सबसे बड़ी बात है ये कौन सा वेव है, स्टेशनरी वेव है। कहीं से कोई दिक्कत? आप हम लोग आज स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड के लिए बनने वाले। तो चलिए हम एक स्ट्रिंग लिए, सब कुछ लिखे, कंसीडर ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, सबसे पहले लिख लो उसके बाद समझाएंगे आपको। कंसीडर ए स्ट्रिंग, कंसीडर ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ क्या है, एल है। कंसीडर ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, ठीक है, ऑफ लेंथ एल, फिक्स्ड एट बोथ एंड, फिक्स्ड एट बोथ एंड, हो गया, देख लीजिए, एक स्ट्रिंग लिए, कंसीडर ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल जिसका लंबाई एल है और दोनों एंड को क्या कर दिए, फिक्स्ड कर दिए। द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन दिस स्ट्रिंग, इन दिस स्ट्रिंग, द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन दिस स्ट्रिंग, हो गया ना, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, जो आपके फिगर में ऑलरेडी क्या है, रिप्रेजेंट है। कंसीडर ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को लिए जिसकी लंबाई एल है, फिक्स एट बोथ एंड, दोनों एंड को फिक्स कर दिए, और इसमें जो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रहा है उसको फिगर में रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको स्टैंडिंग वेव जानना है तो आप लेक्चर नंबर 9 देख सकते हैं, ठीक है ना, एज शोन इन फिगर, ठीक है ना। द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड, द कंडीशन, कल बस लेक्चर 8 हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं,
कि आपको देखना ही पड़ेगा मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड. मिनिमम एम्पलीट्यूड द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ए स्टैंडिंग वेव ऑफ ए स्टैंडिंग वेव इज गिवन बाय. तो आप लोगों को कल वाला लेक्चर लेक्चर 8 बहुत अच्छे से याद होगा. उसमें हम लोग एम्पलीट्यूड के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे. हम नीचे लिख रहे हैं इज गिवन बाय. अगर हम लोग मैक्सिमम रहेगा तो x इज इक्वल टू n प्लस 1/2, ठीक है ना. x इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इनटू लैम्डा बाय 2. ये किसके लिए था? ये आपकी कॉपी में प्रूफ है. आप लेक्चर नंबर 8 देखिए. सब सारा मेन लेक्चर 8 पढ़ाने के पीछे यही रीजन था कि आपको ये पोजीशन एम्पलीट्यूड का निकाले. और ये किसके लिए था? फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए था. ये किसके लिए था? कंडीशन फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. ये किसके लिए था? कंडीशन फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. कंडीशन फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ओके ना. और अब आते हैं और लिख सकते हैं मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए था x is equal to n lambda by 2. आप लेक्चर में देख सकते हैं लेक्चर नंबर 8 में. ओके, फिर हम सारे को एक्सप्लेन कर रहे हैं. कंडीशन फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड एक बार फिर से आइए. टॉपिक्स हम आपको फिर से इस बात को बता दें कि अगर आप लेक्चर नंबर 9 देख रहे हैं तो आपको हर हाल में लेक्चर नंबर 8 देखना ही होगा, वरना आज का टॉपिक्स कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है. हमारा जो लेक्चर नंबर 8 था वो स्टैंडिंग वेव के लिए था और उसी का ये पार्ट है. हम बोल रहे हैं ये पार्ट 2 चल रहा है. कौन सा पार्ट चल रहा है? स्टैंडिंग वेव का पार्ट 2. व्हाट इज स्टैंडिंग वेव? आप याद कीजिए, दो वेव हो, दोनों दो प्रोग्रेसिव वेव हो. फिर से हम बता रहे हैं आपको, दो प्रोग्रेसिव वेव हो, दोनों प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड सेम हो, पीरियड सेम हो, और दोनों एक दूसरे पर सुपरपोज कर जाए, दोनों एक दूसरे में मिल जाए, दोनों वेव एक दूसरे पर क्या कर जाए, मिल जाए. और मिले तो कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में. ऐसे मिले, फिर ऐसे मिले, ऐसे मिले, और सेम स्पीड से मिले, अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों प्रोग्रेसिव वेव का स्पीड सेम हो, और आप उसको अपेयर नहीं कर पाएगा, आप उसके वाइब्रेशन को अपेयर ना कर पाए, तो वैसे वेव को ना हम लोग स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव बोल रहे हैं. ओके ना. एक बार फिर से, हमारा स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव है क्या? तो सबसे पहले हम बता दें आपको स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव होता क्या है. फिर से लेक्चर नंबर 8 कंप्लीट उसी पे. दो प्रोग्रेसिव वेव, अरे प्रोग्रेसिव मतलब जो फ्लो कर रहा था, दोनों प्रोग्रेसिव वेव का ना एम्पलीट्यूड सेम, पीरियड सेम, टाइम पीरियड सेम, ठीक है ना. और दोनों एक दूसरे पर अपोजिट डायरेक्शन में सुपरपोज कर जाए सेम स्पीड से, जो जिसका, और जैसे ही सुपरपोज करे तो उसका वाइब्रेशन बिल्कुल अवेयर ना हो, तो ऐसे वेव को हम लोग स्टेशनरी वेव बोलते हैं. आपको उसका वाइब्रेशन दिखेगा ही नहीं. फिर आपको टाइप ऑफ स्टेशनरी वेव पता है, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव. फिर एक एक्सप्रेशन निकाले थे, एक्सप्रेशन वाइज कर टू उसके टोटल डिस्प्लेसमेंट का, और वहां से फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का पोजीशन निकाले थे, फिर मिनिमम एम्पलीट्यूड का पोजीशन निकाले थे, वहीं से लिए. फिर आज का हमारा टॉपिक से स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रिंग. फिक्स दैट बोथ इन, हमको स्टेशनरी वेव चाहिए स्ट्रिंग के लिए, चार फोटो बनाने वाले हैं. स्टेशनरी वेव चाहिए रस्सी के लिए, लेकिन दोनों एंड फिक्स है. यहाँ पे इसका कोई, यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग है, क्या यहाँ पे इसका कोई डिस्प्लेसमेंट है? नहीं है. लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक x, इसका जो लेंथ l है, कंसीडर ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, माना कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई l है. फिक्स दैट बोथ एंड, दोनों एंड को फिक्स कर दिया, एकदम समझना है और नोट भी करना है. फिक्स दैट बोथ एंड, द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन दिस स्टेज एज शोन इन फिगर. और उसे स्टैंडिंग वेव को ना फिगर में दिखा रहे हैं. द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड लेक्चर नंबर 9 सॉरी 8 ऑफ ए स्टैंडिंग वेव इज गिवन बाय. मैक्सिमम के लिए ये, मिनिमम के लिए ये, कोई दिक्कत है? देन ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का पोजिशन, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड का पोजिशन. अब आगे देखिएगा, द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड. क्या हमारा स्ट्रिंग फिक्स्ड है? जब फिक्स है तो x is equal to 0 एंड एक एंड पे x is equal to 0 और दूसरे एंड पे x is equal to l लिख सकते हैं.
लिख सकते हैं। और हमको नोट्स चाहिए, क्या चाहिए, मिनिमम एम्पलीट्यूड। अभी हम ये चाह रहे कि हम इसको क्लियर कर ले, आपके पास है टाइम से, कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक एंड पे x इक्वल टू 0 और दूसरे एंड पे x इक्वल टू l। अब तो मुझे चाहिए मिनिमम एम्पलीट्यूड। जब व्हाट इज नोट्स करवा देखिएगा, जिस समय एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा, एम्पलीट्यूड का पोजीशन सबसे कम हो, उसे ही हम नोट्स कहते हैं। तो सबसे कम कब होगा भाई, सबसे कम कब होने वाला है, जब n का मान फर्स्ट हो। n का मान 0 होगा तो खैर पूरा 0 ही हो जाएगा, n का मान क्या हो, फर्स्ट हो। जब n का मान क्या हो, जब n का मान न, यानी कि सबसे पहले छोड़िए, तो अभी हम जस्ट पढ़े हैं x is equal to n lambda by 2 है। n क्या था आपका, 0 1 2 3 dot 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 dot, ठीक है, 0 1 2 3 dot 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 dot, आगे लिख दें corresponding, ये नोट करना है आपको, corresponding to first second, corresponding to first second, डॉट 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 लिख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट सेकेंड, ठीक है ना, डॉट 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 मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन सुनकर डर नहीं जाना है, जब सबसे मिनिमम होता है उसी को बोलते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो फॉर बताइए, फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, और फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, जैसे ही हमारा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो जाएगा तो हमारा एन की जगह पर वन और लेमडा वन हो जाएगा, वेवलेंथ की जगह पर लेमडा वन, लेमडा वन क्या है, तो ये भी लिख सकते हैं हम, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्टैंडिंग वेव, सीधे रहने दीजिए, वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव, ओके ना। अब लिख सकते हैं देन, तब देखिएगा, तो x is equal to n के जगह पे 1, lambda के जगह पे lambda 1 by 2, अगर आप इसको cross multiplication कर दीजिए तो x हमारा l है, x और l both are same, तो x के जगह पर हम l लिख सकते हैं, lambda 1 into 2, अगर हम इसका cross multiplication lambda 1 is equal to क्या लिख सकते हैं, 2l, lambda 1 is equal to 2l लिख सकते हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट को एक बार अच्छे से समझना है, ठीक है, हमने उस चीज को तो पहले हम साफ कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपको समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। हम एक स्ट्रिंग लिए हैं, टॉपिक सामने है, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फिक्स है, दोनों एंड को इसके फिक्स कर दिए हैं। जैसे ही दोनों एंड को फिक्स किए तो दो बातें हो सकती है, या तो उसके पोजिशन होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का और मिनिमम एम्पलीट्यूड का। मैक्सिमम वाले को, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के पोजिशन को एनडी नोड्स कहते हैं, तो मुझे एनडी नोड्स में नहीं जाना है, मुझे नोड्स में जाना है जब एम्पलीट्यूड का पोजीशन मिनिमम हो। और जब भी एम्पलीट्यूड का पोजीशन मिनिमम होता है तो आपके कल वाले लेक्चर में उसका पोजीशन x इक्वल टू n लैम्डा बाय 2, जहां n 0 1 2 3 कॉरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट सेकंड छोड़ो, ये जो वाइब्रेशन पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन, दूसरा, आप दूसरे का निकालना चाहते हैं n की जगह पर 2 ले लीजिए, तीसरे का निकालना चाहते हैं n की जगह पर 3 ले लीजिए, अभी हम 2-3 निकालने वाले हैं। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए n 1, लैम्डा 1 क्या है, तो वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव, ठीक है, देन x इक्वल टू n लैम्डा बाय 2 है, x इक्वल टू n लैम्डा बाय 2, तो x इक्वल टू n के जगह पर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए n का मान 1, लैम्डा का मान और 2 के जगह पर 2, यानी हमारा जो l हो गया, ध्यान से देखिए, यानी जो हमारा l हो गया वो लैम्डा 1 x के जगह पर l, अरे x और l, ठीक है ना, सेम, यानी लैम्डा 1 इक्वल टू t है। और इसी को हम लोग, ये जो आपको लैम्डा 1 इक्वल टू 2l दिख रहा है, दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड और हार्मोनिक मोड। This mode of vibration, उसको आपको नीचे लिखना है, This mode of vibration is called fundamental mode or harmonic mode, is called fundamental mode or harmonic mode, फंडामेंटल मोड और हार्मोनिक मोड, किसी प्रकार के मोड के वाइब्रेशन को फंडामेंटल मोड या हार्मोनिक मोड बोलते हैं। शायद कहीं से आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे लेकर आ रहे हैं अब इसके फ्रीक्वेंसी पे, ओके ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम,
चलिए तो पहले हम बात भी कर लें द फ्रीक्वेंसी। चलिए इसको हम क्लियर कर सकते हैं। चलिए आप होप सो आप नोट कर लीजिएगा, पॉज करके लिख सकते हैं। अब थोड़ा इसका काम फ्रीक्वेंसी पे कर लें। चलिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो वी इक्वल टू एन वन एन टू लैम्डा वन, वी इक्वल टू एल लैम्डा। आप अपना प्रीवियस लेक्चर से दे सकते हैं, लेक्चर दो या तीन में ये कॉपी में आपके प्रूफ है, वी इक्वल टू एल लैम्डा। तो एन वन इक्वल टू वी बाय लैम्डा, एन वन इक्वल टू वी बाय लैम्डा वन, और लिख सकते हैं एन वन इक्वल टू वी, और लैम्डा वन का वैल्यू भाई साहब कितना है आपका 2L, अभी भी लिखा हुआ है, चूंकि लैम्डा वन इक्वल टू 2L, तो लैम्डा वन की जगह पर हम 2L पुट कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत? एक बार और, वी इक्वल टू एन वन लैम्डा, ये प्रूफ है, आप पहले से जानते हैं वी इक्वल टू एन लैम्डा, तो एन वन इक्वल टू वी बाय लैम्डा वन, और लिख सकते हैं एन वन इक्वल टू वी, और लैम्डा वन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2L लिख सकते हैं, लैम्डा वन की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2L लिख सकते हैं, ठीक है? यानी कि एन वन इज कॉल्ड, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एन वन क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कौन सा फ्रीक्वेंसी बोलेंगे? दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत? एक बार फिर से, स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, हम स्टैंडिंग वेव की बात करें, स्ट्रिंग में दोनों एंड फिक्स होना चाहिए। अभी हम उसका ना, सबसे पहले तो हम जाने हैं कि फंडामेंटल वाइब्रेशन किसको बोलते हैं, मोड ऑफ वाइब्रेशन, उसके बाद उसके फ्रीक्वेंसी का, v is equal to n lambda, तो v is equal to n1 lambda 1, n1 मतलब फ्रीक्वेंसी, v by lambda 1, और lambda 1 is equal to 2l होता ही है, ये लिखा भी हुआ था, अभी जस्ट निकाले थे, n1 is equal to v by 2l, this frequency is called fundamental frequency, any problem? नहीं ना? तो n1 क्या है? फ्रीक्वेंसी। v क्या है? स्पीड। अच्छा, और लेंथ l क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, ये v किसका स्पीड? रेहानी सर का, कुत्ते का, पिल्ले का। अरे भाई साहब, जब आप लिए हैं स्ट्रिंग, जब आप लिए हैं स्ट्रिंग रस्सी, तो ये जो v होगा ये स्पीड स्ट्रिंग का ही होगा ना। और आप देखिएगा लेक्चर नंबर 6 गूगल पे, सॉरी यूट्यूब पे लिखना है रेहानी फिजिक्स, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव बाय स्ट्रिंग। सीधे स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव नहीं, आपको स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलग पर है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव बाय स्ट्रिंग पढ़ाए थे, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, वी नो दैट। आप देखिएगा अभी एकदम ऊपर, जैसे ही वीडियो देख रहेगा एक बार नीचे स्लाइड करके ऊपर देखिएगा, छठा नंबर लेक्चर वेव का टॉपिक्स लिखा भी होगा, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव बाय स्ट्रिंग, v इज इक्वल टू रूट अंडर टी बाय म्यू, टी टेंशन, म्यू मास पर यूनिट लेंथ, टी टेंशन, म्यू मास पर यूनिट लेंथ। अब इस v का मान हम इसमें डाल सकते हैं, तो इसीलिए देयरफॉर n1 इज इक्वल टू v की जगह पर 1 बाय 2l, इसको 1 बाय 2l और रूट अंडर टी बाय म्यू, 1 बाय 2l रूट अंडर टी बाय म्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिकॉज इससे हम अभी एक तुरंत न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल, और इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कौन सा फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एक बात बताइए, जो फ्रीक्वेंसी निकला है किसका? द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अगर मुझसे पूछ दे कि आप तीसरे मोड ऑफ वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी निकालिए, दूसरे मोड ऑफ वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो कोई बात नहीं, आप इसको नोट कीजिए, अभी हम दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब कर देंगे। चलिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, अभी जस्ट आपके कॉपी में लिखा हुआ था वी इज इक्वल टू एन टू एन टू लैम्डा टू होगा, लैम्डा टू इज द, लैम्डा टू इज द, लिखना पड़ेगा क्या? आप लिख सकते हैं वेयर लैम्डा टू इज द वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ ऑफ सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ दूसरे वाले मोड ऑफ वाइब्रेशन का, ओके ना, वेवलेंथ ऑफ सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो v इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू, मुझे तो चाहिए फ्रीक्वेंसी, n2 इज इक्वल टू v बाय लैम्डा 2, ओके,
एन टू स्कल टू भी बाय लैम्डा टू, और लिख सकते हैं एन टू स्कल टू भी लैम्डा टू का मान कितना हो जाएगा आपका 2L, ओके ना, भी स्कल टू लैम्डा टू का मान हो गया आपका 2L, ठीक है। फिर से भी का मान आप पुट कर दीजिए तो एन टू स्कल टू वी बाय लैम्डा टू, और फिर से देख लीजिएगा आपका नोट्स की बात कर रहे हैं तो नोट्स में होता है आपका एक्स स्कल टू एन लैम्डा टू बाई टू, ठीक है। और आज हमारा कितना है आपका सेकेंड नोट्स की बात कर रहे हैं, सेकेंड वाले फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो इनके जगह पर हम लोग क्या लेंगे, इनके जगह पर दो ले सकते हैं, इनके जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, दो, और x तो मेरा फॉरएवर l है, ओके ना, x ही l, और लिख सकते हैं तो n2 इक्वल टू, ये भाई साहब ये नंबर है 1 2 3 4 और ये जो n है वो फ्रीक्वेंसी है, तो डायरेक्ट कर देते हैं अगर आपकी इच्छा, तो यही लिख दीजिए, और ये x के जगह पर हमारा l, n के जगह पर 2 into सेकंड वेवलेंथ है तो लैम्डा 2 into 2, 2 से 2 कैंसिल, ओके ना, यानी कि लैम्डा 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप l, तो डायरेक्ट लिखते हैं n2 इक्वल टू भी ब्रैकेट में लिख दें, हमारा जो l है वो लैम्डा 2 के इक्वल है, भी बाय लैम्डा 2, n2 इक्वल टू भी बाय लैम्डा 2, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड, आप लिख सकते हैं ये n2 इज इक्वल टू भी बाय लैम्डा 2, और n1 इक्वल टू कितना आया था आपका, n1 इक्वल टू था 1 बाय 2l, वो अगर आप स्पीड का वैल्यू पुट कीजिएगा तो, ठीक है ना, तो दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थोड़ा सा और इसका ऑपरेशन कर दो तो एन टू स्कल टू, फिर से वी का मान क्या हो जाएगा आपका, बी का मान आपका लैम्डा 2 के जगह पर आप एल भी लिख सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, एल और लैम्डा 2 बोथ आर सेम, तो फिर से लिख सकते हैं बी का मान 1 बाई एल टी बाई यू, ओके ना, ये आपका फ्रीक्वेंसी, इसका भी नाम होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, अगर आप इसका पिक्चर बनाना चाहते हैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन का तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये आपका दोनों फिक्स्ड एंड ओके, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना, इसमें जो हमारा एक्स का वैल्यू है देख लीजिएगा, इसमें जो एल है वो किसके बराबर है, लैम्डा 2 के बराबर है, और उसमें जो एल था वो लैम्डा 2 बाई 2 के इक्वल था, ओके ना, फिर आप नोट कीजिए हम तीसरा वाला लेकर आ रहे हैं, तो चलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये आपके कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन करते, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो वी इक्वल टू एन थ्री इंटू लैम्डा 3 होगा, वी इक्वल टू एन थ्री इंटू लैम्डा 3, वेयर लैम्डा 3 आप लिखना चाहते हैं तो फिर से लैम्डा 3 इज द वेवलेंथ ऑफ सेकंड नहीं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन हो जाएगा, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, फिर से इसको n3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं v / n3 इज इक्वल टू हो गया v / लैम्डा 3, v / लैम्डा 3, फिर से मुझे चाहिए लैम्डा 3 का वैल्यू, तो फिर से आ जाइए x इक्वल टू n लैम्डा 2, x के जगह पर हमारा x के जगह पर l हो जाएगा क्योंकि लास्ट वाले एंड पे वो है, n के जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं 3, तो n के जगह पर हम लिख देते हैं यहां पे 3 लैम्डा 2 / 2, ओके ना, यानी कि आप लिख सकते हैं फिर से l इक्वल टू 3 लैम्डा 2 / 2, n इक्वल टू 3 लैम्डा 2 / 2, ओके, मुझे चाहिए क्या फिर से लैम्डा 3 होगा यहाँ पे, सॉरी लैम्डा 3, ठीक है लैम्डा 3, यानी 2l इक्वल टू, एक स्टेप और इसमें एक्सप्लेन कर दें, 2l इक्वल टू 3 लैम्डा 3, ओके ना, 2l इक्वल टू 3 लैम्डा 3, यानी लैम्डा 3 इक्वल टू, मुझे मान लैम्डा 3 का ही डालना, ओके लैम्डा 3 इक्वल टू लिख सकते हैं 2l / 3, अब यहां पे देखिए हमारा ये आपका पोर्शन है नहीं, फिर से v इक्वल टू n3 इनटू लैम्डा 3, ओके तो n3 इक्वल टू v / लैम्डा 3, v / लैम्डा 3 का मान हम पुट कर सकते हैं, ये आपका अलग एक्सप्लेनेशन है आपको समझाने के लिए किया गया था, n3 इक्वल टू v किस जगह पे v और लैम्डा 3 का मान है 2l * 3 ऊपर चला जाएगा, यानी n3 इक्वल टू 3v / 2l, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, एक बार फिर से फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी निकाल दिए, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी निकाल दिए, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन का दिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, हम लोग पहले से जानते हैं v = n लैम्डा, प्रूफ है,
तो v इक्वल टू n3 इनटू लैम्डा लिख सकते हैं, वेयर n 1 2 3 नहीं, यहां पे n फ्रीक्वेंसी है। और यहां पे क्लियर भी कर दें, लैम्डा 3 इज द वेवलेंथ ऑफ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। मेरा काम इधर चल रहा है इधर, लेकिन ये रफ में, फिर से मूड्स के लिए, मूड्स मिनिमम एम्पलीट्यूड को बोलते हैं, और मिनिमम x इक्वल टू n लैम्डा 2 / 2, x इक्वल टू n लैम्डा 2 / 2, तो n की जगह पे 3 हो जाएगा और x और l बोथ आर सेम। तो देखिएगा, x की जगह पे l, n की जगह पे 3, वेवलेंथ की जगह पे लैम्डा 3 / 2, ओके ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो फिर से हमारा हो जाएगा, फिर से देखिएगा, l इज इक्वल टू 3 लैम्डा 3 / 2, 2l इज इक्वल टू 3 लैम्डा 3, लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2l / 3, मेरा क्या था, n3 इज इक्वल टू n3 * लैम्डा 3, n3 इज इक्वल टू v / लैम्डा 3। ये तो रफ है आपके लिए समझाने के लिए, n3 इज इक्वल टू v, लैम्डा 3 का वैल्यू यहां से उठाकर पुट कर दिए, 2l / 3, 3 कहां चला गया, ऊपर। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसका अगर आपको पिक्चर बनाना चाहते हैं तो ये आपका तो सेकंड मोड का है, आप इसको t / 2 / के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर जरूरत नहीं है तो क्यों लिखे। इसका पिक्चर अगर आप बनाना चाहते हैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन का, ध्यान दीजिएगा, ये आपका फिक्स्ड, ये स्ट्रिंग डॉटेड डॉटेड में इसको रहने देते हैं, ठीक है, देखिएगा, है ना, देख लीजिए, स्टैंडिंग वेव में यही खासियत है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, मेरे हाथ से थोड़ा सा ये बड़ा बन गया, ठीक है, आप समझिएगा, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और यहां पे जो हमारे वेवलेंथ का वैल्यू है लैम्डा 3, यानी जो एल का मान है यहां पे 3 लैम्डा 3 / 2, ओके ना। अब हम आते हैं लास्ट वाले मोड पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, v इज इक्वल टू n4 into lambda 4, v is equal to n4 into lambda 4, lambda 4 is equal to, क्या लिख सकते हैं lambda 4 को, lambda 4 हो जाएगा हमारा wavelength of fourth mode of vibration, फिर से continue, x is equal to n lambda 2 / 2, x is equal to n lambda 2 / 2, n is equal to, आज हो जाएगा fourth ले रहे हैं तो fourth, okay, x और l both are same, x की जगह पर l, ये हो गया आपका 4, ये 2 से cancel हो जाएगा, यानी l is equal to L is equal to 2 lambda 3, L is equal to 2 lambda 3, या lambda 3 is equal to L by 2 भी लिख सकते हैं, ओके ना, lambda 3 is equal to L by 2, फिर से अपने कहानी पे वापस आ जाए, ये हटा देते हैं आप लोगों के लिए, B is equal to lambda 4, N4 into lambda 4, मुझे चाहिए N4 is equal to V by lambda 4, V, lambda 4 का मान, ये lambda 4 हो जाएगा ना, fourth mode of vibration कर रहे हैं, लैम्डा 4, ठीक है, लैम्डा 4, एक बार फिर से, x इक्वल टू n लैम्डा 2 / 2, फोर्थ का निकालना है तो n के जगह पर 4 और लैम्डा के जगह पर x और l बोथ आर सेम, ये वाला नहीं है, ठीक है, तो x के जगह पर l, n के जगह पर 4, लैम्डा के जगह पर लैम्डा 4, 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है, l इक्वल टू 2 लैम्डा 4, क्या लैम्डा 4 इक्वल टू l / 2, n4 इक्वल टू v / लैम्डा 4, और लैम्डा 4 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, l / 2, यानी n4 is equal to 2v by l, this is called frequency of fourth mode of vibration, clear, ये हो जाएगा आपका third के जगह पर fourth, अगर आप इसका picture बनाना चाहते हैं तो ये और आसान है, इसको fourth time में distribute कर दीजिए, देख लीजिए, ये नीचे, ये ऊपर, थोड़ा सा मेरा राइटिंग में बस बहुत जल्दी मिलने ही वाला है कुछ ना कुछ, यहाँ पे जो हमारा एल का वैल्यू होगा वो 2 लैम्डा 4 के बराबर होगा, एनी प्रॉब्लम, नोट करिए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन क्लियर, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन क्लियर, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन क्लियर, फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन क्लियर, कोई डाउट हो आप शुरू से देखिए, इस लेक्चर को देखने के लिए आपको हर हाल में प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा बाबू, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और ये जो आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल एडिशनल टॉपिक्स है, ये बुक वगैरह से आपके सिलेबस से बिल्कुल नहीं लिया गया है, क्योंकि अच्छे से पढ़ाना है हमें, जनरली सब लोग हवा हवाई में निकल जाते थे, निकलने के पीछे रीजन था, होता था एक्चुअली ये 11 से 12 में जाने की सबको होड़ लगी रहती थी, बिकॉज 8 साल का एक्सपीरियंस है, हर साल ये फील करते हैं, बहुत लोग तो पढ़ाते भी नहीं है, डायरेक्ट 12 स्टार्ट कर देते हैं, अरे वेब पढ़ा देंगे ऑप्टिक्स में, यहाँ का वेब और ऑप्टिक्स का वेब ये दोनों बहुत डिफरेंट है, हाँ बेसिकली इसका जिसको ये नहीं आएगा, जिसको सुपर पोजिशन नहीं आएगा, वो कैसे कंस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन समझेगा, कैसे वेव फ्रंट बनाएगा, भाई साहब बहुत डिफरेंट हो जाता है। सो प्लीज आप लोग के दिल में जो 12 12 कर किए हुए ना,
दो बात एकदम बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल आपके एग्जाम का डेट बढ़ेगा, बिल्कुल आपको टाइम दिया जाएगा, बिल्कुल पैनिक मत होइए। ये बहुत बड़ा जो एपिडेमिक है ये सब लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि सीतामढ़ी में पढ़ाई बंद हो गया और दिल्ली में चालू हो गया। जो लोग भी ऑनलाइन वगैरह से स्टडी कर रहे हैं बस वही कर रहे हैं, और लाख ऑनलाइन आ जाए ऑफलाइन अभी भी हम लोग बहुत, मतलब हम लोग रूरल एरिया से और बहुत पीछे है भाई साहब। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं और फिर आज टाटा बाय बाय बोलते हैं, और कल का जो क्लास होगा वो कंप्लीट इस वेव से जहां तक पढ़े हैं सिर्फ जेई और नीट के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आज पहले एक क्वेश्चन बना के पहले टाटा बाय बाय हो जाएगा, ओके ना। तो चलिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है जो आपके सामने है, और आपको कॉपी पेन लेके रेडी रहिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसको बनाइए, फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। आज एकदम थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए, दिमाग तो लगाने नहीं, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिएगा, ए वायर 50 सेंटीमीटर, एक वायर है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, 50 बाई 100 कर लें, 0.5 मीटर इसका लेंथ है, इज स्ट्रेस्ड बाय 64 न्यूटन, और इसको कितना से स्ट्रेस्ड किए हैं 64 न्यूटन से, द मास पर यूनिट लेंथ, देखिए म्यू दिया हुआ है कितना 1 × 10⁻⁵ केजी मास पर यूनिट लेंथ, और फोर्स दिया था टेंशन 64 न्यूटन, हो गया ना। बोल रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोड, फंडामेंटल सेकंड नहीं, हम आपको चार पोजीशन पे फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, फर्स्ट नोड का, सेकंड नोड का, थर्ड नोड का, फोर्थ नोड का। तो जस्ट अभी तो भाई साहब इसीलिए तो फॉर्मूला दिए थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोड इक्वल टू एन इक्वल टू 1/2L रूट अंडर टी बाई बी, बस फॉर्मूला बेस्ट 1/2 0.5 T, वेयर इज टेंशन 64 न्यूटन, ये हो जाएगा आपका 1 × 10⁻⁵। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आ जाएगा 2529.8 Hz। सबसे इजी क्वेश्चन था, और कल तो केवल स्पेशल स्पेशल क्वेश्चन लेके आना है। ये हमारे स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव का यूं कह लीजिए कि उसको दो पार्ट में डेवलप किए, थंबनेल में लिखा हुआ होगा पार्ट टू, ओके ना। तो उम्मीद करते हैं आज आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। बस बहुत जल्द जितना भी आपके दिलों की धड़कन है, जितना भी कमी है, सारे कमियों को दूर करके एकदम रिसेंटली 12th स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल पैनिक मत होइए, कोई क्वेरी करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है आपका, सब कुछ मतलब हर चीज डिटेल वगैरह है, आप हमसे कनेक्ट हैं, एक दिन आएंगे लाइव, सब लोगों को बता देंगे कैसे क्या कर रहे हैं। अब एप्लीकेशन के थ्रू आना है या यूट्यूब के थ्रू आना है या वेब पेज के थ्रू आना है, हम आपको बताएंगे, लेकिन 12th जल्दी स्टार्ट होगा बहुत बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही भाई, बाय बच्चों।